नमस्कार दर्शक मित्रों, मंतव्य न्यूज साथ हूं छू शिवांगी। स्वागत है आपनों न्यूज लाइव में। बात करिए ब्रेकिंग न्यूज सामे वराश। सूरत तरफ थी सूरत ना पलसाणा में बाळकी नुं मौत निपजू छे कोरोना ने कारणे। एक वर्षनी बाळकी नुं मौत थयुं छे। बाळकीना माता पिता कोरोना संक्रमित थया हता, जेमां बाळकोमां हवे कोरोनानुं संक्रमण सतत वधी रह्युं छे। सतत संक्रमण वधी रह्युं छे ते चिंताजनक। सूरतना पलसाणा में एक वर्षनी बाळकीनुं मौत निपजू छे कोरोना ने कारणे। आ बाळकीनुं मौत निपजू छे। उल्लेखनीय छे के तेना माता पिता कोरोना संक्रमित थया हता, तेना कारणे बाळकी पण कोरोना संक्रमित थई हती अने कोरोना ने कारणे एक वर्षनी बाळकीनुं मौत निपजू होवानो मामलो सामे आव्यो छे। सूरतना पलसाणा में एक वर्षनी बाळकीनुं कोरोना ने कारणे मौत निपजू छे। उल्लेखनीय छे के ज्यारथी थर्ड वेवनी शुरुआत थई छे अने ओमिक्रोन आव्यु छे, त्यारथी ओमिक्रोन वेरियंटथी बाळकोमां पण कोरोनाना केसो सतत वधी रह्या छे। बात करिए आ अंगे ज माहिती माटे संजय મહંત આપણી સાથે સુરતથી સીધા જોડાઈ ગયા છે। સંજય, જે રીતે સુરતમાં સતત કોરોનાના કેસો વકરી રહ્યા છે, સાથે સાથે હવે મૃત્યુ આંકમાં પણ વધારો આવી રહ્યો છે, બાળકીનું કોરોનાને કારણે મોત, શું વધુ વિગતો? ત્રીજી લહેરની શરૂઆત થતાં સુરત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં બાળકો પોઝિટિવ થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પલસાણાના તાંતી થૈયા ગામની एक वर्ष बाळकी ने कोरोना थयो हतो। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो हतो अने त्यारबाद बाळकीनो सारवार दरमियान मौत निपजू छे। उल्लेखनीय छे के बाळकीना माता पिता पहला कोरोना संक्रमित थया हता अने त्यारबाद बाळकीनो रिपोर्ट पण पॉजिटिव आव्यो हतो। तेनी सारवार सूरत में चाली रही थी, नवी सिविल हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल में तेनी सारवार करवामां आवी रही हता, परंतु बाळकीनो सारवार दरमियान मौत निपजू छे। एक वर्षनी बाळकी कोरोना सामेनो जंग हारी गई छे, त्यारे लोकोनी चिंता वधे स्वाभाविक छे। प्रशासन पण चिंतित थई रह्युं छे, कारण के हवे त्रीजी लहेरमां बाळको संक्रमित थई रह्या छे। विद्यार्थीओनी वात करीए तो विद्यार्थीओ पण सूरतमां 300 करता वधु विद्यार्थीओ छेल्ला 11 दिवसमां संक्रमित थया छे अने तेओने जो के सारवार हाल चाली रही छे। सूरत शहेरनी वात करीए तो शहेरमां कोरोनाना आंकड़ाने लईने एक चिंता ओछी करनारा समाचारो सामे आवी रह्या छे। सूरतमां 1500 जेटला पॉजिटिव केसों गई काले सामे आव्या हता, एटले पॉजिटिविटी जे संख्या छे ते ओछी थई रही छे, परंतु चिंताजनक बाबत ए छे के विद्यार्थीओ बाळको पॉजिटिव आवी रह्या छे अने जेना लीधे शाळाओमां पण टेस्टिंग अने वेक्सिननी जे कामगीरी छे ए कामगीरी पूरजोशमां करवामां आवी छे। सूरत शहેરમાં આવેલી તમામ શાળાઓમાં બાળકોને જે 15 વર્ષથી ઉપરના બાળકો છે તેઓને વેક્સિન આપવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, લગભગ પૂર્ણતાને આવે છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં કોરોનાની જે ગતિ છે એ ગતિ તો ધીમી થઈ છે, પરંતુ પલસાણાની એક વર્ષની માસૂમ બાળકીએ કોરોનામાં જીવ ગુમાવ્યો છે, ત્યારે બાળકોમાં વધી રહેલું સંક્રમણ ચિંતાજનક ચોક્કસ કહી શકાય અને વાલીઓ તેમજ પ્રશાસન માટે પણ એક ચિંતા કહી શકાય કે બાળકો સતત પોઝિટિવ થઈ રહ્યા છે। चौक्स संजय, जोड़ा बदल अने माहिती बदल आपनो आभार। तो बात करिए सूरत में सतत एक तरफ कोरोना ना केसो वकरी रहा छे, बीजी तरफ सूरत में एक वर्षनी बाळकीनुं कोरोना ने कारणे मौत निपजू होवानो मामलो सामे आव्यो छे, जेना कारणे चिंतानुं मोजुं फरी वळ्युं छे। बीजी तरफ एक सारी बाबत ए पण सामे आवी छे के सूरत में डिस्चार्ज दर्दीओनी संख्यामां पण वधारो नोंधायो छे, परंतु सतत कोरोनाना केस पण वकरी रह्या छे अने बीजी तरफ हवे बाळकोमां पण कोरोना जे रीते फैलाई रह्यो छे त्यारे चिंतानुं कारण वधु वकरी रह्युं छे।